Previously on. फिर 10 दिन का वीडियो आपको मिलने वाला है तो हेलो आज भाई हमें पिकअप करने आ गए हैं डिस्कवर कश्मीर की तरफ से। यप द व्यू इज रियली मेसमराइजिंग क्योंकि आई डोंट थिंक सो ऐसा व्यू आपको कहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों स्वागत है आपका मानस बल लेक में। शिकारा राइड डील हो गई है पूरे 500 रुपए में। मनो ये वाला गाना गाते ना यार तू झील किनारे, कौन सा गाना गाता था? लगा दो ना प्लीज। चलो ठीक है मैं लगाता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि लता दीदी स्वर्ग से आगे गा रही है। Soon after. Good evening दोस्तों, फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं। होटल का नाम है ग्रैंड मीर इंटरनेशनल। आइए मोहतरमा, देखिए कैसे रानी की तरह ट्रीटमेंट करी जाती है। दांत दिखाते हुए, दांत दिखाते हुए प्लीज दांत दिखा। हाँ दोस्तों, काफ़ी थका देने वाला जर्नी था। आई मीन हम लोग सुबह सुबह निकले हैं 8:30 बजे और अभी पहुंच रहे हैं होटल एट अराउंड 6:00। बट हाँ, बीच में हम लोग मानसबल लेक रुके थे, दैट्स वाई इट गॉट डिलेड। बट या लुकिंग फॉरवर्ड, होटल तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, देख सकते हो। लेट्स सी। तो गाइज आ गए हम लोग होटल ग्रैंड मीर इंटरनेशनल में और होटल तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। ओह नाइस, इट्स रियली नाइस, वाओ दिस इज इनसेनली गुड, काफ़ी अच्छा है। देखते हैं क्या व्यू है यहाँ पे। ओह व्यू तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हाँ इनके लॉन का थोड़ा व्यू है। आई लव कश्मीर और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। Did you like it? Yes, I like it. It's real nice. और ये रहा, ओह नाइस, वॉशरूम भी अच्छा है यहाँ नहाने के लिए, बात है रिया, तो इट्स प्रिटी गुड। अब थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, बहुत भूख लगी है तो पेट पूजा की जाए, फिर देखते हैं शाम में क्या करना है। ओह नाइस, जाने से पहले आपको टीवी भी दिखाता चलूँ, कितना सुंदर है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो हम आ गए हैं डिनर करने। आज के डिनर में लगा है मंचाउ सूप, सैलड है, राइस है, राजमा है। यार हमें कश्मीर में राजमा की लत लग गई है। वी हैव गॉट भिंडी मसाला, मटर पनीर और सेवैयाँ और ये चिकन। हमारा टेबल वहाँ पे है। एक्चुअली खाना हमने पहले ही ले लिया था तो हम भूल गए थे बताना। देख कैसा लग रहा है, अच्छा है, तो लेट्स एंजॉय आवर डिनर। तो दोस्तों हमने डिनर कर लिया है और काफ़ी अच्छा था खाना। राजमा चावल हमारा फेवरेट बन गया है, खासकर दिख का तो फेवरेट ही बन गया है। मेरे को तो मतलब हर दिन क्रेविंग होने लगी है कि राजमा चावल खाना है, जब से टेंट में खाया था। फ्लैशबैक। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। यहाँ पे है राजमा चावल और ये आलू की सब्जी, बहुत ही यम्मी है। एंड अ फ्लैशबैक। और कश्मीर की सेवैयाँ वाकई बहुत अच्छी है, तो इट्स लाइक मज़ा आ गया खा के। हम थोड़ा सा वॉक करते हैं और इसी के साथ डे 4 को कंक्लूड करते हैं। हमने कल डिसाइड नहीं किया कि कल कहाँ जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग शायद यूसमर्ग या गुलमर्ग जाएंगे। और लेक ट्रेक के लिए एक्चुअली वेदर फोरकास्ट 2 दिनों का दिखा रहा है कि थोड़ा सा वेदर चॉपी है, इसलिए वी हैवंट डिसाइडेड येट। तो चलिए फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं, सो टेक केयर और बाय बाय। द नेक्स्ट डे। Good morning everyone and welcome back to Being Rumors. So guys, this is day 5 in Kashmir. Yeah. And obviously, look at the weather. It's overcast again. But पहले के 2-3 दिन काफी अच्छे गुजरे हैं हमारे। हमने बहुत enjoy किया गुरेज वैली। And today we are heading to
गुलमर्ग। यस गुलमर्ग। सो गाइस लास्ट ट्रिप में हमारा गुलमर्ग अधूरा इसलिए रह गया था ड्यू टू बैड वेदर। हमने गाइस हम लोग ये तीसरी बार गुलमर्ग जा रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर, बट आज भी मौसम खराब है एंड 2 बार पिछली बार गए थे तब भी मौसम खराब। बट होप फॉर द बेस्ट। आज फोरकास्ट है कि 50% सन आएगा बट अभी तक चांसेस तो नहीं आए हैं। पूरी रात बारिश हुई है तो लेट्स सी, वी आर फिंगर क्रॉस्ड कि हम गुलमर्ग जाएं, वहां पे लुपिन फ्लावर्स कैचअप करें या फिर गंडोला राइड एंजॉय करें, आपको जितना हो सकता है बेस्ट दिखाएं। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ए फ्यू मोमेंट्स अगो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और आपको दिखाते चलें ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। यूजुअली जो होता है कॉर्नफ्लेक्स, ये ब्रेड डाला हुआ है, पराठे, वी हैव दही, ये क्या है वहाँ, व्हाट इज दिस, ओट्स है क्या? चलो ट्राई करेंगे आंधे। एंड दिस इज प्रीटी मच द ब्रेकफास्ट। आई एम एक्साइटेड टू ईट पराठा, देखते हैं कैसा होता है। हमारे ड्राइवर भैया वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी में एंड लेट्स गो। और ये होटल काफी अच्छा है, ग्रैंड मीर इंटरनेशनल। अगर आप कश्मीर आ रहे हो, आप श्रीनगर में हो तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। अच्छा, आई मीन द रूम्स आर क्वाइट स्पेसियस एंड गुड, द फूड इज आल्सो ग्रेट, सो या इट्स रिकमेंडेड। तो चलते हैं गुलमर्ग के सफर पे, टिल देन सी यू, बाय बाय। तो दोस्तों वी आर गोइंग टू गुलमर्ग और ऐसा जैसा नाम के अनुरूप गुलमर्ग मतलब फूलों की घाटी या फूलों का रास्ता। देख सकते हो कितना सुंदर है, हर जगह ये डेजी के फूल हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। बताओ, देख, यू आर एंजॉयिंग, बहुत सुंदर है। अभी हम 2 महीने पहले भी आए थे 2 बार, बट इतना सुंदर फूल अभी खूब खिला हुआ है डेजी। वाह, हाँ वाह, कितना सुंदर लग रहा है यार, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। नहीं यार, उधर क्या करेंगे। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका गुलमर्ग में। ये हमारा होटल हिल टॉप और अभी हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने। और क्या मस्त जगह है यार, आई मीन फिर से गुलमर्ग में आके अच्छा लग रहा है। तो ये है होटल का एंट्री और देखिए हमारी महारानी दिग्दर्शनी आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हैं। और वाह, तो ये है दोस्तों लॉन एरिया और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। इधर कहीं गंडोला राइड होती है और ये रहा होटल हिल टॉप। तो ये बेसिकली 4 to 5 स्टार के अंडर आती है प्रॉपर्टी, काफ़ी सुंदर है। तो लेट्स सी हमारा रूम कैसा होता है, लेट्स गो टू द चेक इन एरिया। यहाँ का ग्रैंड चेक इन एरिया, अच्छा रियल नाइस। तो दोस्तों स्वागत हुआ है हमारा गर्मा गर्म के हवा और कुकीज के साथ, काफी डिलीशियस है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। मजा आ रहा है। तो गाइज ये है हिल टॉप का कॉरिडोर, हमें मिला है कमरा नंबर 210। तो लेट्स चेक इन, आज का रूम टूर देंगी दिग्दर्शनी मैडम। चलो खोलो, थैंक यू सो मच, इनसे इंसर्ट कर दो की उसमें। तो ये मिल गया रूम, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, लगेज आप लेकर जाओ। तो ये है हमारा रूम गाइस और इत्र की खुशबू आ रही है, अच्छा सा बेड है। गोल्फ कोर्स का रहता तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, बट ये व्यू मिला है हमें, आई थिंक या थोड़ा सा आई थिंक जंगल जैसा ही है, फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो बताओ क्या है रूम में, दिखाओ तुम यार। सो रूम में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कश्मीरी कारीगरी की गई है, बहुत प्रिटी है। वी हैव अ नाइस बेड ओवर हियर, करेक्ट, बिल्कुल साफ सुथरा। यहाँ पे भी कारपेट कालीन टाइप दिया गया है, करेक्ट। मिरर है, एक टेबल है, यहाँ पे रुक जाओ, एक टीवी है, दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, बैठ के आप चाय कॉफी का लुफ्त उठा सकते हो। और ये देखो, ये हीटिंग सिस्टम है, आई थिंक फॉर श्योर इतना बड़ा हीटर लगा हुआ है, आई थिंक ये गैस हीटर है, तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये रहा इनका मिरर, तो यस। और
एक और मिरर है। ओह नाइस यार, दिस इज लाइक बहुत बड़ा ना। अच्छा, तो द मिरर इज गुड। अभी क्या प्लान है सर? तो विल सी, अभी हम लोग शायद अभी गंडोला राइड के लिए जाएंगे अगर हमें टिकट मिल गई तो। और वो दिखा दो ना, वो क्या है, कैबिनेट, लेट्स ओपन इट अप। ओके, तो ये वार्डरोब है, इसमें सेफ दिया हुआ है, आयरन करने के लिए दिया हुआ है, तो इट्स गुड। चलो यार, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बाथरूम, वो मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली बाथरूम में भी बहुत ही अच्छा मिरर है, यहाँ पे हेयर ड्रायर है, वैनिटी किट, यू कैन सी दिस इज टॉयलेट एंड दिस इज बाथ एरिया, और यहाँ भी देखो आई थिंक हीटिंग के लिए लगाया हुआ है। दिस इज नाइस यार, कि आई मीन दिस इज प्रीटी मच गुड। तो ये रहा होटल, सबसे अच्छा और यूनिक मेरे को लगा गाइस यहाँ का जो यू नो कॉरिडोर है, मतलब हर जगह अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं, सारे कश्मीर के यू नो यू कैन सी अच्छे से बनाए गए हैं, सो इट्स प्रॉपर, इट्स रियली नाइस। सामान हमारा आ गया है, तो अब यही है भाई हमारा आज का, देखते हैं, आपको बताते हैं हम क्या 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 कुछ करने वाले हैं, लुपिन फ्लावर्स देखेंगे या फिर क्या करेंगे। Oh my God, this is the view of the hotel, guys. कितना सुंदर है। और we would love to visit here again in winters, क्योंकि मैंने सुना है, हमने सुना है कि I mean गुलमर्ग की बात ही कुछ और होती है winters में। गुलमर्ग is the most visited destination, क्योंकि most of the कश्मीर में जो tourist destinations है वो cut off हो जाते हैं because of the snow, not accessible, so गुलमर्ग is। और ये भी बात है कि गुलमर्ग एक ski capital of India है, तो बहुत सारे लोग ski करने और सीखने आते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बार भी है, बार तो क्या बोलूँ, बट या इसमें रेडबुल रखा हुआ है, कोक है, जो कि हम नहीं पीने वाले हैं। तो यप, लुकिंग फॉरवर्ड, सी यू सून गाइस। सो फाइनली हम लोग गंडोला राइड करने आ गए हैं, एंड वी हैव मैनेज्ड टू गेट द टिकट्स फॉर द फर्स्ट फेज, एंड टू नोटिफाई यू, अभी सेकेंड फेज नहीं चल रहा है ड्यू टू सम मेंटेनेंस रीजन, तो अभी सिर्फ फर्स्ट फेज का ही आप टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, एक महीने तक रहेगा बंद फेज टू। सब हम जा रहे हैं, पूरा गियर अप कर लिया हूं गाइस, इसमें जैकेट है और हमारा ड्रोन भी है, आराम से बोलना पड़ता है। वैसे वादी बहुत सुंदर है, गुलमर्ग इज ट्रूली एंटरटेनिंग। यहाँ से आपको वो करना होगा, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी चेक। तो दोस्तों, हाँ फाइनली हम लोग गंडोला राइड के लिए आ गए हैं, बता दे कि आर एक्साइटेड। हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं गुलमर्ग, और अभी तक एक बार भी हम लोग गंडोला राइड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द वेदर, बट फाइनली हम लोग करने को मौका मिल रहा है, बट फेस टू देखते हैं, वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। तो ये रहा गंडोला राइड, लेट्स सी कैसा होने वाला एक्सपीरियंस। माय गॉड, तो बहुत फास्ट जा रही है यार। गाइस, चढ़ गए हम लोग आसमान की ऊंचाई पे, बहुत ही मजा आ रहा है, इट्स अमेजिंग यार। और देखिए ऐसे खुला भी हवा भी आ रही है, हां थोड़ा इससे हम लोग निकाल सकते थे इंसा 360। गिव मी द फोन, आई विल शो यू। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू। तो वहां हमारा स्टेशन था, वहां से निकलकर हम लोग अभी जा रहे हैं फेज 1, चूंकि फेज 2 बंद है ऑलरेडी, सो अनफॉर्चूनेटली यू नो, बट लुकिंग फॉरवर्ड यार, कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारी हाइट और बढ़ती चली जा रही है। बनो, टेल मी, तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों, बहुत ही मजा आया, इट वॉज रियली अमेजिंग। और यहाँ से हमारी एग्जिट शुरू होती है, आ जाओ। तो और ये रहा सेकेंड फेज के लिए, बट अभी अनफॉर्चुनेटली बंद है, क्योंकि हमारी किस्मत आपको बताइए। वेलकम टू गुलमर्ग गंडोला। अच्छा, दिस इज नाइस। अब एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट फेज, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। मुझे पता है यहाँ पे घोड़े गाड़ी वाले रेडी होंगे, बट या लेट्स सी। ये है फर्स्ट फेज, और काफ़ी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, गाना वाना बजा के, एंड वी आर ऑल्सो सुपर डुपर एक्साइटेड। देखते हैं क्या कुछ यहाँ करने को, दिख भी मोरनी बन गई है, तो मोरनी बन के डांस करेगी, और लेट्स सी हाउ इट गोज। हाय कुमार,
तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग गुलमर्ग के मीडोज में और कितना सुंदर लग रहा है, हर जगह वादियों में फूल खिले हुए हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आई एम सॉरी। चलो ठीक है, बट बहुत प्यारे फूल खिले हुए हैं और हमारा मन भी बिल्कुल फूल फूल हो रहा है। चलो वहाँ तक चलते हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ओह माय गॉड, देखो जैसे बादल बिल्कुल तैर रहे हो हमारे आस पास ही, और ये छोटे छोटे फूल देख रहे हो आप, कितने प्यारे हैं यार। सच में गुलमर्ग वाकई में गुल का मर्ग है। गुलों का मर्ग। यस, सुंदर है। पान मैं क्यों हूँ यार? तुम्हारी तो बात ही अलग है यार, तुम तो परी नहीं, परा हो ना। गाइज, हम लोग आ गए हैं ट्रेकिंग करके इस जगह पे, ब्यूटीफुल मीडोज, एंड हम लिटरली बादलों के बीचों बीच है गाइज। यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारा कोहरा है एंड कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे पीछे। लुक एट द व्यू। एंड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आवर ड्रोन। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, पूरी घाटी मिस्ट से ढक गई है, कुछ देखने को नहीं है, और हम अब ठीक ठुड आ रहे हैं। नॉट एन आइडियल टाइम टू कम टू गुलमर्ग। करेक्ट। स्पेशली इफ इट्स वेदर, कोई भरोसा नहीं है यार यहाँ मौसम का, कुछ भी कभी भी हो सकता है। बॉय। तो दोस्तों हमारा करेक्ट है, बड़ा ही अच्छा है। सोचो जब इस पर बर्फ गिरती होगी तो कितना मजा आता होगा, तो काफी अच्छा है। और ये है कोला होई कैफे एंड रेस्टोरेंट, तो दिस इज गुड। तो आई थिंक बर्फ में इसका अलग ही मजा है। हम बिल्कुल उस मिडो तक, उसके आखिरी छोर तक गए थे। गाइस देख सकते हो आप, ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं और जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं बिल्कुल। और मस्त गंडोला आए जा रही है एक के बाद एक, और मजा आ रहा है। तो हाउ मच वुड यू रेट दिस राइड आउट ऑफ 5? टेल मी। 3.5। हाँ, एक्चुअली असली मजा अच्छा वेदर हो तब आएगा, सनी डे या फिर जब बर्फ रहती तब। मैं तो रेट करूंगा 2.5 से 3, क्योंकि आई थिंक ये आप लोगों ने कहीं और भी करा होगा राइड, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिक्किम में किया था, वाइजैग में भी किया है ना। तो अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए गाइस, तो डेफिनेटली डू कम इन द विंटर्स, तो आपको पूरा हर जगह सफेद सफेद दिखेगा और अति ज्यादा मजा आएगा। तो अभी लगी है भूख, जाते हैं कुछ खाते हैं फिर। करेक्ट, अभी थोड़ा यहाँ से ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो गाइस अभी हम लोग आए खाना खाने, ऑर्डर करा है वेज फ्राइड राइस और मंचूरियन, बहुत भूख लगी है। और ये जो रेस्टोरेंट है मीसा लव आई ऐसा कुछ करके है, यप। तो ये हमारे जस्ट होटल के नीचे है, खाना खाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं निकलते हैं कहीं घूमने। तो ये रहा खाना, आप देख सकते हो कश्मीर में जो राइस होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट अच्छा है। गुड इवनिंग एवरीवन। लंच वंच करने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और हम आ गए हैं फिर से एक चर्च के पास, सेंट मैरी चर्च।
बट अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज है, बट आप देख सकते हो धूप निकल आई है गुलमर्ग में और कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। इट्स रियली ब्यूटीफुल आउट देयर, बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ सब कुछ बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी, हम लोग अभी थोड़े टाइम पहले कह रहे थे कि यार गुलमर्ग थोड़ा ओवररेटेड है एंड आई वी वुड रियली गिव इट लाइक 2.5 स्टार्स। जैसी धूप निकली इसकी कुछ गोल्ड हो गया यार। सच में इसकी जो सॉस क्या बोलते खूबसूरती है ना, ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल गाइज। तो हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स और यहाँ इतने सारे प्यारे लुपिंस खिले हुए हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे यार। मतलब अगर आप व्यू देखोगे ना सच में गुलमर्ग को, मतलब धरती का स्वर्ग तो बोलना उचित होगा, कितना सुंदर है। इटर्निटी मतलब 50 सालों से वेट कर रही हैं। मैं बहुत महीने से इसके तलाश में थी एंड फाइनली इनका महीना जो होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड जून टू मिड जुलाई एंड वी आर लकी इनफ कि हमको अभी भी दिख जा रहे हैं, बट इस टाइम वो दिखता नहीं है। बहुत है, बहुत खेले हुए गाइस, देख रहे हो कितना प्यारा गोल्फ कोर्स है यार। अगर किसी को गोल्फ पसंद है तो आ सकता है, वहाँ दूर में एक चर्च है आप देख सकते हो, उधर आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है, बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत प्यारी। और ये धूप खिल गई है यार, इतना सुंदर हो रखा है मौसम, वेदर जस्ट अमेजिंग इन लव। तो अभी अविनाश गोल्फ खेलने गए